मीटिंग जिहड़ी हैगी है, इह सरकार दे आउण तों बाद जिन्नी भी साडी कैबिनेट सी उहनां नूं वख वख जिल्ह्यां नाल संबंधित कीता गया, इस करके कि उत्थे मोनीटरिंग रखी जावे सरकार दे तौर दे उत्ते भी किहड़ियां योजनावां चल रही हैं और उहनां दी किन्नी डिवेलपमेंट है और कदों उहनां दा कंपलीशन टाइम है, और साडे एम एल ए साहिबान नूं नाल लै के आम हेठले पद्धर दे हरेक आदमी तक पहुँचा जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन नूं इस गल दे उत्ते नाल लै के यकीनी बनाया जाए कि कोई भी जिहड़ा साडा आम एक आदमी कॉमन आदमी भी है उस तक असीं पहुँचिए। सर स्टाफ रोज हड़ताल से चले गए हैं, वो कहते सानू कुछ राहत जो मिल जाती, क्योंकि वो कहते असीं बहुत सारे स्टाफ ने कहते खरीद चुके हैं, तुसीं ऑनलाइन जो सिस्टम करता सूँ भी लगता कि ऑनलाइन ज़्यादा बेनीफिट है, स्टाफ रोज क्यों हड़ताल से गए हैं, कोई गलबात हुई है? देखो ऑनलाइन जो सिस्टम है अज की डेट के बहुत जरूरी है, असं देखते सी जोड़े साढ़े प्रिंटड स्टाम्प से उन्होंने बहुत सारे कई बार जाली स्टाम्प आ जाते और बहुत सारे केस थोड़े सामने आते भी रहे हैं और तुम सब लोगों जानते हैं, और सरकार जी आने तो बाद इस गलते पाबंद सी कि किसी एक सिंगल आदमी ना भी कोई चीटिंग ना हो, और जिन्या भी रेवन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित साढ़िया योजनावं है वो टाइम सिर पूरी होन, और जिदा असी जमाबंदी तक नूं भी है ना आप दर्ज करा सकी नालों नाल किसी लैवल उत्ते, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन किया करके ही बेहतर तरीके ने किया जा सकता, इस करके शाम प्रोशन असी पहला जो किया अलर्ट करता सी थोड़े नाल है थोड़ी कोई इनकम से फर्क नहीं पेगा, और क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तुम देखो असी रेलवे की टिकट तक असी ऑनलाइन बुक कराने हैं, तो अच्छे असं कही नहीं जी उदा का हो तो चीज़ा जीडिया जरूरी है। सर ये कोई बदलवा प्रबंध किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हले नहीं पता कि ऑनलाइन किस तरह पढ़ना, जो जाते हैं सुविधा केंद्र से उत्थे थोड़ियां हले उन्होंने जरूर दिक्कत आ रही हैं, या उन्होंने जिन्होंने पहले कोई रजिस्ट्रियां करा लिया उन्होंने कुछ रुकिया कहते सारा कुछ ला लिया से ऑनलाइन होने तो बाद साडा काम रुक गया? नहीं कोई इदा का अगर है चीज़ा तो डेफिनेटली साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के नाल लोग संपर्क कर जा तहसीलदार ना कर एस डी एम साहब ना कर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर सुविधा सेंटर सुविधा सेंटर सुविधा सेंटर तो लिमिट बनाई कहते बंद ही दे सकते हैं कैपैसिटी पाँह की है कई परिवार हो चुके ने लोना किश्त जा रही है बंद हो गई है। देखो एनओसी करके हुई है ना जी, अगर देखो ये भी सरकार का वर्षन क्लीयर सी असी चाहते थे किसी बाद चो परेशानी ना आए, जो वार्ड तो अपनी पूरी जिंदगी का पैसे ला आता प्लॉट खरीदने और हों की है वार्ड तो आप देखते हैं ना उ कभी सीवरेज हों ना उन्होंने पार्क मिलती है जो उन्होंने नक्शा दिखाया जाता कोई भी चीज़ उत्थे नहीं होंगी, कोई घटाने की लड़ नहीं सी, ये 2019 ने वापस ले लिया कैप्टन साहब की सरकार ने, लेकिन क्योंकि उस वे लोगों नहीं से दसना चाहते क्योंकि किसी जॉब तो दे नहीं सर, जिहड़ियां ऑलरेडी पोस्टां ने कढ़ियां सी उन्हां नूं फिल नहीं कर रहे, असी आंदे 1090 पोस्टां चों आंदे फिल कीती है मानजोग मुख्यमंत्री सरकार ने, और फिल करन तों बाद जदों ये साढ़े सामने आया बट असी उ देखा साड़ी रिक्वायरमेंट की हैगी है, अगर हैगी है तो डेफिनेटली असी जरा किया उस वेले का 1000 पोस्टा घट की गई है, अगर लोड़ पेगी डिपार्टमेंट उत्ते करके डेफिनेटली उन्होंने भी भरेगा। तुम कह रहे हो कांग्रेस ने घट की पर दूजे पास प्रताप बाजवा थोड़े भी इल्जाम लगा रहे कि प्रताप बाजवा जी ने जरूर अपने झाकी मारनी चाहिए, मैं उन्होंने साढ़े मैं उन्होंने अर्ज करनी चाहना मैं जरूर 2019 बह के अधिकारियों पुछो कि घट किए हैं, पर प्रताप बाजवा जी अपनी सरकार कारगुजारियां कैप्टन साहब के इन्ना शर्मिंदा है पर थोड़े को कैमरे सामने चर्चा नहीं करते बाद चो बहकर जरूर चर्चा करते हैं, जो चीज़ उन्होंने कही जाए उन्होंने मिले, इस करके पहलिया सरकार ने इतने कोई काम नहीं किया, थोड़ी बहुत परेशानी लोगों आनी है लेकिन जल्द इस तो भी राहत मिल जाएगी हरेक आदमी को, मेरा मैं लगता एक हफ्ते के अंदर अंदर अभी इस चीज़ में भी बिल्कुल टोटली इन एनओसी यकीनी बना देंगे उन्होंने कोई परेशानी ना। सबसे गरीब परिवार ने जिम्मे कि 14 to 15 lakh rupees का लेंगे ने प्लॉट, उन्होंने अपनी 5 lakh rupees या 7 lakh rupees देकर डाउन पेमेंट कर दी,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2018 'ਚ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ NOC 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NOC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ।